वतन पे जान निसार है, वतन के काम आएंगे हम, इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। विद द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग IIEBM, माय नेम इज बालकृष्ण एंड आई एम योर होस्ट फॉर टुडेज सेरेमनी। आई वेलकम यू ऑल टू IIEBM इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ 21st बैच इग्नाइट 2020। इट गिव्स मी ऑनर एंड जॉय टू इंट्रोड्यूस लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकटकर। Lieutenant General D.B. Shekhatkar, PVSM, AVSM, VSM, and member of Advisory Council IIEBM, Indus Business School, and Honorable Chancellor of Sikkim University. Sir is an infantry officer with a distinction of commanding a brigade in Punjab, a division in Kashmir Valley, and a corps in Northeast. Sir is a soldier and a scholar, one of the greatest mind and visionary our great nation can have. Sir is a Bachelor in Commerce, Master of Sciences, MPhil in Defence Studies, PhD in Management Sciences, PhD in Defence and Strategic Studies, and pursuing his third PhD in Psychological Warfare. Sir is also Postgraduate Diploma in Ecology and Environment and Postgraduate Diploma in Weapon and Equipment Management. Sir is a Paul Harris Fellow by Rotary Foundation of Rotary International. Sir is highly decorated senior officer of Indian Army. Sir was awarded Vashishta Seva Medal for distinguished service in the Northeast, Ati Vashishta Seva Medal for combating terrorism in Punjab and Kashmir, and Param Vashishta Seva Medal for combating terrorism and insurgency operations in J&K and Northeast. So, ladies and gentlemen, let's welcome Lieutenant General D.B. Shekhatkar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। इट इज नाइस टू स्पीक टू यू दिस मॉर्निंग एंड आई प्रिज्यूम योर पेरेंट्स आर ऑल्सो लिसनिंग टू मी। सम ऑफ देम मे नॉट बी एवरीबडी, बट सम ऑफ यू मे बी अकम्पनीड बाय योर पेरेंट्स ऑल्सो सिटिंग एट होम। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। एंड आई एम ऑल्सो अवेयर, आई होप majority of you are from Madhya Pradesh, maybe UP, maybe Bihar, and different states in India. So the entire India is listening to this morning. It's a great feeling. It's a great feeling for all of us. First of all, I congratulate you. I compliment you for you deciding to study in IIBM at Pune, one of a very fine institution. ये केवल आपको विद्या नहीं देता है, यह आपको विद्या के साथ साथ गुणवान भी बनाता है, चरित्रवान भी बनाता है। Aim is not only to give you degree and leave it to you. No, that is not the aim. The aim is to make you a perfect individual of this nation. The aim is not only to make you manager, that you will be. The aim is to make you a perfect administrator. आप में से कुछ हो सकता है MBA फाइनेंस में करेंगे, आप में से कुछ हो सकता है MBA मार्केटिंग में करेंगे, HR में करेंगे, पर जब तक हमारा व्यक्तित्व नहीं बढ़ता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ही की तरह मैंने भी प्रयत्न किया था IIM अहमदाबाद में जाने का 1962 में, तब ये शुरुआती हुई थी, पर उस समय मुझे सेना में जाने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद पूरे जीवन भर हमें पढ़ना पड़ता है, युद्ध शास्त्र पढ़ना पड़ता है, राजनीति पढ़ना पड़ती है, कूटनीति पढ़ना पड़ती है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना पड़ते हैं, फाइनेंस पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्रीज पढ़ना पड़ती हैं। और इसलिए विद्या अर्जन जो है, एजुकेशन जो है, ये हमारे कैरियर का एक हिस्सा होती है।
और संभवतः इसीलिए सेना में रहने हुए और सेना से निवृत्त होने के बाद में मैंने ज्यादा पढ़ाई की। एमएससी डिफेंस स्टडीज पहले किया था, एमए इन स्ट्रेटजिक स्टडी पहले किया था, उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ फिलोसफी किया एमफिल मद्रास यूनिवर्सिटी से। फिर पहली पीएचडी की मैंने, वो मैनेजमेंट साइंस में ही है मेरी जो पीएचडी है, और उस पीएचडी की थीसिस है लीडरशिप क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में यदि आपको उन्नति करना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आप में कौन कौन से गुण होना चाहिए, ये उसका एक छोटा सा विषय है और वो आजकल अमेरिका में बहुत प्रचलित है। दूसरी जो मैंने पीएचडी की है उसका जो विषय है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो हमारा दिमाग होता है, जो हम सोचने का काम करते हैं, ये बाएं तरफ ज्यादा होता है। 97% लोग जो हैं दुनिया में, आप देखिए वो मोबाइल फोन या टेलीफोन बाएं हाथ से सुनते हो, बहुत कम लोग हैं जो दाहिने हाथ से सुनते हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिक शक्ति जो है वो बाएं तरफ ज्यादा होती है। स्मरण शक्ति, सुनने की शक्ति, जब भी कभी कोई कम सुनाई पड़ता है हम पहले यहां हाथ लगाते हैं और फिर हम बोलते हैं थोड़ा जोर से बोलिए, बिकॉज द रिसेप्टिविटी ऑफ नॉलेज इज हियर। और इसलिए दूसरा जो मैनेजमेंट अपना दूसरा जो पीएचडी मैंने किया था उसका विषय है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी क्या? माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, ये जितने भी वाद शुरू होते हैं ये गलत जानकारी के कारण होते हैं और उसका दुष्परिणाम तरुण पीढ़ी पर पड़ता है, उनके माँ बाप पर पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है, उनका जीवन तबाह हो जाता है। और इसलिए वो मैंने पीएचडी का विषय लिया था। अभी जो जिसपे मैं विषय में काम कर रहा हूँ, तीसरी पीएचडी है, उसका विषय है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड द रोल ऑफ मीडिया। मनोवैज्ञानिक युद्ध में और माहिती के युद्ध में मीडिया का क्या संबंध है? लैपटॉप भी हमारा जिसपे मैं बात कर रहा हूँ ये एक मीडिया का साधन है, मोबाइल जिसपे आप बात करते हैं वो भी मीडिया का साधन है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंटरनेट, ये तमाम चीज़ें, टिकटॉक, ये जो भी है, टेलीविजन भी मीडिया का माध्यम है, सिनेमा भी मीडिया का माध्यम है, वर्तमान पत्र भी मीडिया के माध्यम है। तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों की सोच में बदली जा सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को शिक्षित बना सकते हैं, और मीडिया के गलत प्रचार से, गलत उपयोग से आप तरुण बच्चों को आतंकवादी भी बना सकते हैं। वो मेरा तीसरा विषय है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप में से कई लोग सोचते होंगे अभी कि यार यहां तो कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अभी एमबीए करने में क्या फायदा है, कभी तो करना पड़ेगा आपको, एमबीए क्यों करना है? आपने जो बिल्कुल सही निर्णय लिया है आपकी माता पिता की अनुमति से कि आपने एमबीए पढ़ना है, क्योंकि ये जो विषय है ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी पुराना नहीं होता, और ये समय जो है वो बिल्कुल सही समय है आपको एमबीए करने का। इसलिए कि जितने प्रकार से कोविड जो है दुनिया में आज के दिन तक, कल शाम तक, कल रात को 11 बजे तक तकरीबन 6.5 लाख लोग मारे गए हैं पिछले 3 महीने में, कोई बम नहीं चला है, कोई मिसाइल नहीं फटा है, कोई गोली नहीं चली है, कोई युद्ध नहीं हुआ है, पर 6.5 लाख लोग मारे गए हैं, और उनमें सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए हैं वो जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है, इसको हम बोलते हैं सुपर पावर, मैं जानबूझकर आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ी इंग्लिश में भी इस्तेमाल करूँगा अगर आवश्यकता हुई तो,
परंतु आपको इंग्लिश में सोचने की और इंग्लिश में बात करने की आदत डालना पड़ेगी। इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में बात कीजिए। सुपर पावर जो है वहां पर कल रात तक, यदि हम पिछले 3 महीने का हिसाब लगाएं तो 116,000 लोग मारे गए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि इनमें बहुत से तरुण लोग मारे गए हैं। मारे गए माने किसी की हत्या नहीं की, उनको वो रोग लग गया, जीवाणु लग गए उनको। और ये जो है कोरोना वायरस, कोई वुहान वायरस बोलता है उसको, कोई चाइना वायरस बोलता है उसको, ये चीन से ही शुरू हुआ है। वुहान नाम का एक बड़ा शहर है, मैं जब जब भी चीन जाता था मैं गया हूँ वुहान में। वहाँ एक लेबोरेटरी है, दुनिया में 18 देश ऐसे हैं जहाँ पर कि कोरोना सरीखे विषाणु युद्ध पे वहाँ रिसर्च कर रहे हैं लोग बाग कि कौन सा जहर हम हवा में फैला देंगे तो लोग अपने आप मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, समुद्र में फिश मर जाएगी, खेती खराब हो जाएगी। माने अपने शत्रु को बंदूक से ना मार करके आप इन माध्यम से मारिए। और इसलिए ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये कोरोना वायरस जो है, चीन वायरस जो है, वो चीन से ही निकला है। वो वहाँ एक्सपेरिमेंट जहाँ करते थे, वुहान लेबोरेटरी जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ से एक गलत किस्म का एक्सीडेंट होने से वो कीटाणु निकले और वो आज पूरी दुनिया में फैल गए हैं और ये फैलते जाएंगे। इनकी कोई सीमा नहीं होती है कि जैसे आपको 3 महीने के बाद बुखार ठीक हो जाता है, निमोनिया ठीक हो जाता है, वैसा ये नहीं है, ये फैलता रहेगा। इसलिए हमें चिंता नहीं करना पड़ेगी कि हम कितने, आप कितने दिन तक ठहरेंगे, साल भर ठहरेंगे, 2 साल ठहरेंगे, 3 साल ठहरेंगे। और विद्यार्थी के जीवन में इवन 1 महीना भी ज़्यादा महत्व का होता है। इसलिए आपने सही निर्णय किया है जो आपने अभी ये कोर्स की शुरुआत की है। आप में से कई लोगों को शक भी होता होगा, माता पिता को होता है, बेटा हमारा, हम तो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, इंदौर के हैं, भोपाल के हैं, दमोह के हैं, सागर के हैं, पूना में कैसे जाएगा बेटा या बिटिया हमारी। पूना जो है ये पूरे भारत में शिक्षा की राजधानी मानी जाती है, जैसे दिल्ली जो है वो राजनीतिक राजधानी है, बम्बई जो है वो अर्थशास्त्र की राजधानी है, पैसे वालों की राजधानी है, पूना जो है ये बुद्धिमत्ता की राजधानी है, शिक्षण की राजधानी है। और इसीलिए पूना को लोग बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ईस्ट, पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पूना में ही रहते हैं, 48 देशों के विद्यार्थी आज भी पूना में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और अनेक विषयों में पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने माता पिता को आप आश्वासन दीजिए कि पूना कोई एक भयानक जगह नहीं है, ये बम्बई से ज़्यादा सेफ है, दिल्ली से ज़्यादा सेफ है, भोपाल से ज़्यादा सेफ है, लखनऊ से ज़्यादा सेफ है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगली बात जो है, आपके माता पिता ने, हो सकता है आपकी पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिया होगा, हो सकता है आपकी माताजी ने उनके जो शादी में जेवरात थे वो गहने रख दिए होंगे, हो सकता है आपके पिताजी ने आपको पढ़ाने के लिए अपनी जमीन गहने रख दी होगी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप उनकी आशाओं के ऊपर पानी मत फेरिए। आपसे उनको उम्मीद है, यदि आप अच्छे पढ़े, यदि आप अच्छे गुणवान व्यक्ति हुए तो आपको अच्छा काम मिलेगा, आप अच्छा व्यवसाय करेंगे, और उनके जो सपने हैं आपके माता पिता के कि मेरा बेटा होने पर बड़ा अधिकारी बनेगा, मैनेजर बनेगा, उद्योगपति बनेगा, आप उनके जो दिव्य स्वप्न वो देखते हैं उन पर पानी मत फेरिए आप। ये मेरी आपको सलाह है, ये मेरा आपको निवेदन है। आज से 2 साल तक आप दुनिया की तमाम चीज़ों को भूल जाइए, जब तक आपको MBA की डिग्री नहीं मिल जाती है। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया है कि IIPM जो है ये आपको डिग्री के साथ में चरित्रवान भी बनाएगी, विद्यावान भी बनाएगी, बुद्धिवान भी बनाएगी।
मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी तीसरी पीएचडी चल रही है, लोग तो एक में ही भाग जाते हैं, पर मैं हमेशा लोगों को बोलते हैं, लोग मेरे से पूछते हैं डिग्री मिलने से आपको अकल मिलती है क्या, मैं बोलता बिल्कुल नहीं मिलती। विश्व में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यापीठ नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर वाइस चांसलर ये सर्टिफिकेट में लिखता है कि मैं आपको नॉलेज देता हूं, मैं आपको बुद्धि देता हूं। वो बोलेंगे मैं आपको पीएचडी की डिग्री देता हूं, एमबीए की डिग्री देता हूं, एमएससी की डिग्री देता हूं। कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं है जो बोलेगा मैं आपको नॉलेज देता हूं। नॉलेज आपको स्वयं इकट्ठा करना पड़ता है। डिग्री आप फ्रेम करके अपने दीवार पर लगा सकते हैं, नॉलेज को आप सिर पर नहीं लगा सकते हैं, असंभव है ये बात। हम कई बार लोग बोलते हैं यार वो लड़का बड़ा होशियार है या हमारी बिटिया बड़ी होशियार है, उसके कोई तीन कान तो नहीं होते हैं, तीन आंखें नहीं होती हैं, दो ही हाथ होते हैं, दो ही पैर होते हैं, पर हम कैसे बोलते हैं कि ये बुद्धिमान है? उसके बोलने का तरीका, उसका नॉलेज, उसका रहन सहन, उसने जो अपने पास में जो नॉलेज इकट्ठा किया है उसके आधार पर हम बोलते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान बच्चा है। और उस नॉलेज को, उस बुद्धिमत्ता को जब वो सही रूप में इस्तेमाल करता है तब हमें बोलता है ये चरित्रवान भी है, बुद्धिमान तो है लेकिन चरित्रवान भी है। और इसलिए आपको गुणवान जो बनना है वो आपको स्वयं बनना पड़ेगा, कोई बनाएगा नहीं आपको। आप कपड़ा खरीदते हैं, सूट बनाते हैं, आप वो कपड़ा टेलर मास्टर के पास लेके जाते हैं, वो आपको पूछता है 6 बार, आपका नाप लेता है, फिर वो बोलेगा पॉकेट आपको कहाँ चाहिए, 2 पॉकेट चाहिए पत्तून पर, जिप कहाँ लगाना है, कोट कैसा बनाना है। वो सिलाई करता है पर कोट आपको पहनना पड़ता है, और वो कवर कोट तब आपको जो अच्छा दिखेगा जब आप उसके योग्य बनते हैं। ठीक यही बात जो है डिग्री की भी है, ठीक यही बात जो है वो बुद्धिमत्ता की भी है, ठीक यही बात जो है वो एजुकेशन भी है। इस विश्व में रहने वाला प्रत्येक 6वां व्यक्ति, एवरी 6 पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज ए इंडियन, भारतीय है वो। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय नहीं रहते हैं, और उन 6 व्यक्तियों में तकरीबन 51% जो हैं हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कनाडा में 6 मंत्री इंक्लूडिंग उनका रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, वो भारतीय है। ब्रिटेन का होम मिनिस्टर भारतीय है, ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर भारतीय है, मलेशिया का रक्षा मंत्री भारतीय है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के राष्ट्रपति तो यहां तक बोलते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में कोई भारतीय व्यक्ति जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। किस आधार पर वो बोलते हैं? भारतीयों की गुणवत्ता के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर। और यदि आपने अच्छी पढ़ाई की या आपने अच्छा काम किया तो आप भी किसी बड़ी कंपनी में बड़े भारी पदाधिकारी बनेंगे। दुनिया में तकरीबन 98-98 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन तमाम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो भारतीय हैं। 2 जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनके पिताजी तो ऑटो रिक्शा चलाते थे, चेन्नई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे वो, और आज वो दुनिया की सब नंबर 3 कंपनी के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। डॉक्टर कलाम जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने, भारत के राष्ट्रपति बने, DRDO में काम किया, उनका जो घर था वो समुद्र के किनारे ताड़पत्री के नीचे था, उनके पिताजी समुद्र में काम करते थे छोटा मोटा मिट्टी उठाने का, और ये बच्चा छुटपन में अखबार देता था सवेरे घर घर जा करके, अपनी पढ़ाई की, उस पढ़ाई के आधार पर वो कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने साइंटिस्ट बने और भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, धीरू भाई अंबानी का आप देखिएगा, ये दुबई में पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पेट्रोल पंप पे, और आज रिलायंस एम्पायर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर है। उनके दोनों बेटे
मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये अहमदाबाद में पढ़ते थे, तब मैं था वहाँ अहमदाबाद में, धीरूभाई अंबानी से भी मिलता था मैं 1985, 84, 85, तब उसकी बात है, उन्होंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है, तो उन्हें इस बात का एहसास है कि कितने कष्ट करने के बाद यह रिलायंस एम्पायर जो है वो खड़ी हुई है, ये वास्तविकता है हमारे पास में। तो यदि आप भी दुनिया में ऊपर जाना पड़ते हैं तो आपने माता पिता ने जो आपसे अपेक्षाएं की हैं आप उसमें खरा उतरिए। ये कभी आप मत सोचिए कि बड़ा आदमी होता है उसका बेटा ही बड़ा बनता है, ये गलत है, ये सोचना गलत है। हमारे यहाँ रघुनाथ माशेलकर जी हैं, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, वो हर लेबोरेटरी में उनकी फोटो लगती हैं, वो एक गरीब घर में पड़े, वो स्वयं बताते हैं, मुंबई का जो बॉम्बे रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल, वहाँ बैठ के रात को पढ़ते थे, आज भी वो बेंच वहाँ पर रखी हुई है, और पढ़ करके उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, विद्या हासिल की, और इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि दुनिया की हर लेबोरेटरी में उनका फोटो लेते लगता है, जैसे हम घर में गणपति का फोटो लगाते हैं, राम भगवान का फोटो लगाते हैं, माशेलकर जी को माना। तो ये गुणवत्ता आती उनके पास है जो उस गुणवत्ता के काबिल बनते हैं, और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब विश्व का हर छठवां भारतीय जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आपको भी वही हक मिलेगा, वही मौके मिलेंगे कि आप अपनी तरक्की कर सकते हैं। उसके लिए आप पढ़ाई अच्छी कीजिए, फालतू बात मत कीजिए, ये मत सोचिए इस साल थोड़ा आराम कर लेते हैं अगले साल पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2020 आपके जीवन में कभी भी फिर वापस नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 2020, 2021, 2022 आज तक कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं हुआ है जिसके पास में वही दिन, वही रात, वही मौसम, वही महीना कभी आया होगा। 2021 आएगा जुलाई, 2022 आएगा 35 आएगा, और 2020 जो है 7 जुलाई, ये आपके जीवन में कभी नहीं आएगा वापस, आज तक ये विश्व में हुआ ही नहीं ऐसा कभी। तो जिसने आज का इस्तेमाल ठीक कर लिया वही आदमी बड़ा बनेगा। दूसरी बात एक ध्यान रखिए आप, कि जब आप विद्यार्थी का काम कर रहे हैं, कि आज भारत में 320 मिलियन विद्यार्थी है, 32 करोड़ विद्यार्थी हैं, उसमें बिटिया भी शामिल हमारी हैं, और इन विद्यार्थियों में से केवल कुछ लोग जो होते हैं जिनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे पदों पर काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव बनते हैं वो, ये क्यों होता है? क्योंकि केवल कॉलेज जाना करके फटी हुई जीन पैंट पहन के दिन भर मोबाइल में बात करने से आपको बुद्धिमत्ता नहीं आएगी। जब आपको कॉलेज में लोग पढ़ा रहे हैं, जब आपकी फैकल्टी आपसे बात कर रही है और आप विचार कहीं और का कर रहे हैं, तो आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते आप। इसलिए जब आप कॉलेज में बैठते हैं, जब आप लाइब्रेरी में बैठते हैं, अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर केंद्रित कीजिए, आप वही पढ़ाई, वही बुद्धि, वही ज्ञान आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। दुनिया में भारत ही केवल एकमात्र ऐसा देश है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रेजुएट महिलाएं भारत में हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बच्चियां जो हैं पूरे विश्व में वो भारत में हैं, इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, वो भारत में है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ बुद्धिमत्ता को ज़्यादा जोर दिया जाता है। भारत के पास में तकरीबन 8.7 ट्रिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन जब हम लगाते हैं, 1 करोड़ जब लगाते हैं, तो उसके आगे हमें 12 शून्य लगाना पड़ता है। अगर उसके आगे लगाना है तो आपको 13 शून्य, 14 शून्य, 19 शून्य लगा के बाद में तब कहीं वो बिलियन जाके बनता है। इतना पैसा भारत में है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि यह पैसा भारत में
केवल 52 लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है। आप भी वो बन सकते हैं यदि आपने मेहनत की तो। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बुद्धि का प्रयोग करने के लिए बुद्धिवान बनिए, गुणवान बनिए, चरित्रवान बनिए, आशावान बनिए, आप तभी आप पढ़ाई ठीक से कर पाएंगे। अभी कुछ जो बातें हमको रोजमर्रा के काम में आएगी उनके बारे में बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था क्लास 2 तक, दूसरी कक्षा तक, तो हमारा राष्ट्रगान जनगणमन नहीं था, राष्ट्रगान था ही नहीं, भारत परतंत्र था, तिरंगा झंडा नहीं था हमारे पास में। एक गांव में एक पेड़ के नीचे हमारी पाठशाला लगती थी, केवल एक शिक्षक था उस समय, और उस शिक्षक के नीचे हम लोग पढ़ते थे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक। अंग्रेजों का शासन था तो वो गुलामी हमने देखी है। उस झाड़ के नीचे पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी आज आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा है आपसे, भारत में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद तक पहुंच पाया। उसी पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस हैं। उसी पेड़ के पर्चे पड़े हुए, उसी पेड़ के नीचे पड़े हुए दो विद्यार्थी भारत के राजदूत बनकर के विदेशों में गए, और उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ एक विद्यार्थी हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी एशिया का सबसे बड़ा स्मगलर है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके बेटे उसको बाप नहीं बोलते हैं, पत्नी ने तलाक दे दिया है, और रोज रात को पुलिस उसको ढूंढती रहती कहाँ है वो। उसके घर में 3-3 कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक कंप्यूटर दिखाता है उसका हवाले का पैसा कितना है, दूसरा दिखाता है विदेशों में कितना लगा हुआ है, और तीसरा कंप्यूटर दिखाता है कि भारत में ब्लैक कंप्यूटर मार के उसके पास कितना है। और हमारा मित्र है वो, हम लोग मिलते हैं कभी कभी, साल में 2 बार 1-8 बार मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और शाम को खाना खाते हैं। एक खाने का, हम लोग 4 विद्यार्थी मिलते हैं उसे, एक खाने का उसे तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। खाते हम वही हैं दाल सब्जी, लेकिन जिस जगह बैठ के हम लोग खाते हैं खाना। तो हम उससे कई बार पूछते हैं कि तूने इतना सब पैसा इकट्ठा कर लिया है, तेरे को फायदा क्या है, तेरे बेटे अपने को आप तेरे को बाप नहीं बोलते हैं, पत्नी ने आपको छोड़ दिया है, तू अपने घर में सो नहीं सकता है, तो फायदा क्या हुआ इस सबका। अरे यार अब क्या बताएं, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। आपको ये निर्धारित करना है, क्या आप भारत के राजदूत बनेंगे, राजदूत आप आए फॉरेन सर्विस में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपने एमबीए अच्छा कर लिया तो आप भी किसी फॉरेन कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, आपका भारत का ही प्रतिनिधित्व करेंगे ना आप। बोलेंगे कि हमारा जो चीफ अकाउंटेंट है, चीफ सेल्स मैनेजर है, चीफ मार्केटिंग मैनेजर है, ही इज इंडियन। ये बात होती है उसमें, ये आपको निर्धारित करना है। आप स्टेट बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं, आप कमर्शियल बैंक में करना पड़ता है, लेकिन वो पद तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ती है। 1988, 87, 86, 85 में मैं पाकिस्तान की सीमा पे काम करता था, वहां उस समय इंडियन टेलीविजन नहीं आते थे, रंगीन टेलीविजन नहीं थे हमारे पास, पाकिस्तान में रंगीन टेलीविजन था, तो मैं उनको सीरियल देखता था रात को बैठ के, अंधेरा हो जाता था वहां बॉर्डर पे, और वहां एक सीरियल था टेलीविजन का, उसका नाम था धूप छांव। धूप जब आपकी किस्मत चमक रही है, छांव जब आपके जीवन में अंधेरा छा गया। तो वहां एक बेटे के और पिताजी का संवाद बताते थे वो एक सीरियल में। वो अपने बाप से पूछता है, बाप बहुत करोड़पति आदमी, बहुत धनवान था, बेटा अपने बाप से बोलता है, अब्बू दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है। पिताजी, अब्बू या अब्बा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है। बाप अपने बेटे को बोलता है कि बेटा दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो होता है 1 लाख रुपया कमाना।
जिस दिन तू 1 लाख कमा लेगा बाकी के 1 लाख तेरे को अपने आप बनते जाएंगे, क्योंकि वो 1 लाख कमाने में आपको इतना अनुभव मिलेगा कि फिर आप 1 लाख का, करोड़ करोड़ का, 10 करोड़। और जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अंपायर है रिलायंस अंपायर, उनको पता ही नहीं है, 150 कंप्यूटर लगे हुए हैं हिसाब करने के लिए पैसे का। तो आप जब विद्यालय में पढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मुझे जब तक 25,000 रुपये महीने की नौकरी नहीं मिलेगी मैं सड़क के नीचे बैठ के भूख मरे बोए बोएगा। जो आपको काम मिलता है आप उसे लीजिए, उस काम को अच्छा कीजिए आप, और आपकी तरक्की कीजिए आप तरक्की कीजिए उसकी। मेरा अपना बेटा है, एक कंपनी में काम करता है, आज उसको महीने की तनख्वाह जो मिलती है 4.5 लाख रुपया, छोटी उम्र का है, 4.5 लाख। पर शुरुआत में जब उसने MBA किया, उसने BT किया अहमदाबाद से, उसको जो नौकरी मिली थी केवल 22,000 रुपये मिलते थे, 22,000 महीने के। और उसने मुझे बताया, फ़ोन किया, बॉम्बे में उसका इंटरव्यू चल रहा था, कि डैडी मेरा प्लेसमेंट हो गया है। और वो मुझे कंपनी पूछ रही, वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी थी, गिर्जी इंडिया ईस्ट, वो मुझसे पूछ रहे हैं तुमको अगर बम्बई में काम करना है तो आप बम्बई में काम कीजिए, पूना जाना है तो आप पूना में जाइए, यदि आप भुज में जाना पड़ते हैं, भुज है गुजरात में, वो जगह थी जहाँ पर भूकंप आया था, पूरा शहर तबाह हो गया था, यदि आप चाहते हैं तो आप भुज में जाइए, वहाँ काम कीजिए। तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा बेटा अगर आप फ़ोन किया है आप भुज में जाओ। बेटा है गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, अरे डैडी आप क्या मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा फ़ोन तूने किया है, सवाल तूने किया है, तो मैं तो कुछ बता रहा हूँ कि तू भुज में जा, वहाँ काम कर। गया वहाँ, 22,000 रुपया महीने की तनख्वाह थी उसको उस जमाने में। तीन हफ्ते उसे पेड़ के नीचे रहना पड़ा, तमाम इमारतें दह गई थी, फिर बाद में तंबू आए, फिर तंबू में रहना किया शुरू, करते करते वो बड़ा हो गया। आज वही बेटा, उसका पगार जो है 4.5 लाख रुपया है महीने का। उसकी जो पति है, हमारी जो डॉटर इन लॉ है, उसको 2.5 लाख मिलते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, उसने भी MBA किया है। पर अगर वो सोचता कि जब तक मुझे 50,000 रुपया नहीं मिलेगा मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो घर में बैठा होता वो। उस पेड़ के नीचे बैठे वाला बच्चा जिसने भूकंपवादी क्षेत्र में काम किया है, आज जब भी किसी बिल्डिंग को देखता है, उससे जब लोग पूछते हैं कि टेक्नोलॉजिकली आप मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग में कौन सी जगह है जहां भूकंप का इफेक्ट पड़ सकता है, और 90% जो बोलता है वो सही निकलता है। इसलिए उसकी कंपनी जो है उसको 4.5 लाख रुपये महीना देती है। रात को हर रोज वो बम्बई से दिल्ली जाता है हवाई जहाज से, पिछले 7 साल से वो ट्रेन में बैठे नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा बैठ सीख लिया करो, कभी कभी ट्रेन में बैठना अच्छा होता है। नहीं डैडी टाइम नहीं मेरे पास, उसकी कंपनी बोलती है आप शाम को वापस आइए। तो ये आपको निर्धारित आपने करना है, आप कहाँ काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। अगर आप यही सोचते रहे हमेशा कि मेरे को कॉलेज प्लेसमेंट में कम से कम 40,000-45,000 रुपये मिलेगा, ये नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है होगा, पर लेकिन ये मैं आपको इसलिए ज़्यादा जोर देके बता रहा हूँ कि आप ये समझ में यही कीजिए कि COVID-19 के बाद में, ये कोरोना के बाद में MBA के लोगों को काम मिलेगा कि नहीं। MBA के लोगों को ही काम मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि मार्केटिंग इतना करना पड़ेगा। यूरोप में जो है अभी मार्केटिंग बहुत बढ़ रही है, अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने तो भी कहा है कि जो भारत से विद्यार्थी आएंगे पढ़ के हम उनको छूट दे देंगे, बाकी राष्ट्रों को नहीं देंगे वो। तो ये आप सोचिए मत, आपके माता पिता को भी बताइए जो सोचते होंगे पता नहीं बच्चे को, बिटिया को नौकरी मिलेगा कि नहीं, पक्का मिलेगी। एक और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, मैं वहां भी जाता हूं, उनकी गवर्निंग बॉडी पर मैं हूं, सिक्किम विश्वविद्यालय का मैं चांतन हूं, कुलाधिपति, कुलपति नहीं कुलाधिपति। वहां भी बच्चों को ये बोलता हूं कि आप योग्य बनिए, कॉपी करके नकल करके अगर आप पास हो गए आप दुनिया भर में कभी भी नकल नहीं कर पाएंगे।
फिर आपको नकल ही करते रहना पड़ेगी दुनिया भर में। इसलिए अच्छा चरित्र बनाइए आप। अगली दो बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूं, कहावत है निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। IIBM जहां आप एडमिशन लिया है, जहां आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, वहां आपको चरित्र निर्माण पर ज्यादा जोर देंगे। आपने सच बोलना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, ठीक से कपड़े पहनना चाहिए, खाना एक चपाती कम खाओ, फेंको मत। ये छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। इसी नहीं कि वहां कोई खाना कम मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको भोजन की जो उपयोगिता होती है, उस चपाती की कीमत जो होती है, वो उसका मूल्य आपको समझना चाहिए। मैं खुद जब सेना में था, आपके शरीर को तरुण विद्यार्थी था, 22 साल की उम्र में 11 दिन तक भूखा रहा हूं जंगल में, खाना नहीं मिला। तब मुझे समझ में आई बात कि भूख क्या होती है और चपाती की कीमत क्या होती है। जो कुछ भी जंगल में मिल जाता था वो हम खा लेते थे, वो जड़ी पेड़ी पेड़ जो कुछ भी मिल गया। जिंदा रहना ये आवश्यक था। आप तो सुखी है, आप तो भाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपको बोलती है बेटा एक चपाती और खा ले, जबरदस्ती खिलाते आपको, बोलती नहीं मम्मी भूख नहीं, हमको पिज्जा खाना है, हमको हमबर्गर खाना है। आप साधारण भोजन कीजिए घर का। आज यूरोप में ज्यादा बच्चों का मोटापा उन लोगों का बढ़ रहा है क्योंकि वो मैदा खाते हैं। लड़कों के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं आजकल। भारत में ये बीमारी आ गई है और ये ज्यादा तौर पर उन लोगों के बच्चों को होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, खाने के लिए टाइम नहीं है, अपने घर में नौकर को बोलते हैं बेटे को खाना खिला देना, हम जरा बाहर जा रहे हैं। वो बेटा क्या खाता है, कैसे खाता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ आपकी माताजी बैठ के आपको बोलती बेटा ठीक से खाना खा ले, पिताजी बोलते बेटा खाना ठीक से खा लो। ये आपको निर्धारित करना है कि भोजन आप कैसा करेंगे, उस भोजन की कीमत कैसे होगी। अगली जो बात आप ध्यान में रखिए कि कभी झूठ मत बोलिए आप, क्योंकि झूठ बोलना जो है वो आपको मक्कारी की तरफ ले जाएगा। एक बार अगर आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो आपको जीवन भर वो आदत पड़ती जाएगी। झूठ बोलने से आपको हो सकता है कोई चीज जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो आदत पड़ गई आपकी, वो आपको तबाही के रास्ते पर ले जाएगी। कोई गलती होती है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया, झूठ मत बोलिए कल मेरे को बुखार आ गया था। पिताजी को झूठ मत बोलिए कि मेरे पास पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे भेज दीजिए आप। मत बोलिए आप ये बात, सच बोलिए आप। आपको मैं बोल रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं ग्रेजुएट वो भारत में हैं। भारत में 44% बच्चियां जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। साउथ अफ्रीका में 42% हैं, लंदन में 38% हैं, यूनाइटेड नेशन में 34, अमेरिका में जो है, फ्रांस में 32% है। तो हमारी बच्चियों में जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमत्ता होती है। हमारी जो बिटियां हैं वो लक्ष्मी का रूप हैं, विद्या का रूप हैं, सरस्वती का रूप हैं, दुर्गा का रूप हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे यहाँ आने वाले हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, आप अपने आप को आप कभी कम मत समझिए किसी से, कभी भी मत पढ़िए। जितने भी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं हमारी लड़कियां, दुनिया में नाम कमाती हैं, किसी लड़के को देखा आपने बनते हुए? और उनको वो परीक्षा लेती है, वहां पर कठिन से कठिन सवाल पूछते हैं, तब वो जाकर के मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनती हैं। तो आप जो है बुद्धिमत्ता की पुजारी हैं, आप लक्ष्मी का रूप है, आप दुर्गा का आप रूप है, और आप में वो गुणवत्ता आना चाहिए। और ये गुणवत्ता आप में लाने के लिए ये विद्यालय IIBM आपको मदद करेगा।
कई बार आपको गुस्सा आएगा कि फैकल्टी मेंबर हमको क्यों उत्तंग करते रहते बार बार, ये आपको अच्छा बनाने के लिए करते हैं वो, क्यों हमको बोलते हैं 11 बजे तक पढ़ के बैठो, क्यों हमको बोलते हैं 9 बजे सो जाओ, लाइट बंद कर दो, सवेरे 4 बजे उठो, ये इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो हम पढ़ते हैं सवेरे उठ के, मैं खुद आज भी आज इस उम्र में 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 से 6 पढ़ता हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ घूमने के लिए, और रात को 9 बजे मेरा मोबाइल टेलीफोन टीवी सब बंद कर देता हूँ। ये आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। आप जो है उत्तम व्यक्ति तो ऑलरेडी हैं, अब आपको सर्वोत्तम बनना पड़ेगा। उत्तम में उत्तम जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। यू आर गुड, नाउ यू हैव टू बी बेस्ट। अभी आप उच्च शिक्षित में आ रहे हैं, उच्च शिक्षा में आ रहे हैं, अब आपको उच्चतम बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एजुकेशन बुलाए जो है वो बढ़ा देना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपने ये नहीं किया तो आप उच्चतम नहीं बनेंगे। न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। आप हमेशा यही प्रयत्न कीजिए कि यू शुड बी द बेस्ट, देयर इज नो पॉइंट जस्ट टू बी गुड, यू मस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट, बेस्ट अमंग द बेस्ट, एंड दैट इज व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन विल आस्क यू एंड प्रिपेयर यू। आने वाले समय में आपसे मेरी मुलाकात होती रहेगी, कभी बीच में कभी आपसे आगे हम बात करेंगे जब आप पढ़ने के लिए आते हैं, आपसे और भी चर्चाएं होंगी, लेकिन जब तक आपका एक कॉलेज शुरू नहीं होता, यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई शुरू हो जाती है, तब तक आप घर में बैठिए, पढ़ाई कीजिए, नॉलेज लीजिए। आप फालतू बैठ के रात को चोरी छुपे मोबाइल के ऊपर में गंदी फिल्म मत देखिए, आप गंदी बात मत सीखिए, आप विद्या अर्जन कीजिए आप, क्योंकि जब परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र जो होता है वो सबको वही दिया जाता है। यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो आप उत्तर ठीक देंगे, यदि आपने उत्तर ठीक से दिया तो आपको मार्क्स ठीक से मिलेंगे, यदि आपको मार्क्स ठीक से मिलेंगे तो आपकी डिग्री में लिखा जाएगा ही इज MBA विथ फर्स्ट डिवीजन। तो ये आपके ऊपर निर्भर होता है, और आपके माता पिता से यदि वो सुन रहे हैं तो मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को अच्छा उपदेश दीजिए, आवश्यकता से ज्यादा पैसा मत दीजिए उनको, बार बार यहाँ फोन मत कीजिए मेरा बेटा कैसा है, मेरी बिटिया कैसी है, यहाँ जो फैकल्टी है वो अपने बच्चों की तरह ही आपको रखेंगे वहां पर, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो बेटा अगर खराब होना है वो तो आपको घर में भी हो जाता है ना। और ये विद्यालय जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि पूना जो है ये संस्कार की राजधानी मानी जाती है, विद्या की राजधानी मानी जाती है। यहाँ दिल्ली से बच्चे पढ़ने आते हैं, बेंगलोर से बच्चे पढ़ने आते हैं, विदेशों से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर। पूना से बहुत कम लोग जाते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, वहाँ से बच्चियाँ आती पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ आपकी बच्चियाँ जो हैं वो रात को 9-10 बजे तक आराम से घूम सकते हैं बाहर। इसका मतलब नहीं कि वो चोरी से सिनेमा देखने जाएंगे, लेकिन एक सेफ जगह है। और जो इसके जो मैनेजमेंट में जो हैं, जो इस विद्यालय को चलाते हैं, वो भी बड़े अनुभवशील व्यक्ति हैं, अच्छे घराने से आए हुए हैं। विद्या के माध्यम से पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं है, अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करना ये उनका उद्देश्य होता है। एक और बात आप देखिए कि जब आपकी माताजी घर में बैठी होती है, आप चावल खरीद के लाते हैं बाजार से, तो चावल बीनती हैं वो, क्या बीनते हैं वो, उन चावल में जो कंकड़ है उनको निकाल के फेंकते हैं आप, चावल नहीं फेंकते आप बाहर। इस विद्यापीठ में वही होगा कि आप में यदि कोई कमजोरी है तो उन कमजोरियों को ढूंढ के उनको बाहर निकालना पड़ेगा। यदि आप चावल बने रहना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन यदि आपको सर्वोत्तम चावल बनना है तो आपको उन कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, और ये केवल आप ही करेंगे।
और इसलिए एक बार फिर मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, 2 साल में आप पूरा अपना अभ्यासन कीजिए, MBA अच्छे इसमें बनिए, आप मार्केटिंग लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स लीजिए, आप फाइनेंस में लीजिए, आप ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि निर्णय आपने लेना है। आपके ऊपर जबरदस्ती अगर थोप दिया जाए तो हो सकता है आपकी इच्छा नहीं होगी। और आज से जब आप घर में हैं, जब तक आप यहाँ एक कॉलेज में आते हैं, आप अपने मित्रों से जहाँ भी आप जिस शहर में भी है जहाँ पर भी हैं इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए। आईने के सामने खड़े होइए, इंग्लिश में बोलिए अपने आप से, अंग्रेजी वर्तमान पत्र पढ़िए, आप इंग्लिश न्यूज़ पढ़िए। क्योंकि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपकी कंपनी आपको चेन्नई भेज देती है, केरला भेज देती है काम करने के लिए, तो आप हिंदी में तो वहाँ बात नहीं कर पाएंगे, आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। यदि आप नागालैंड में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो इंग्लिश जो है ये अंग्रेजी भाषा विदेशों की भाषा नहीं है, ये सामान्य भाषा है। मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं पूना में, तो वो आकर के आपसे हिंदी मराठी में तो बात नहीं करेगा, जो उस कंपनी का मालिक है, आपको उसी की भाषा में बात करना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश भाषा आप सीखिए, पढ़िए। व्हेन यू कम टू दिस कॉलेज, व्हेन यू ज्वाइन द कॉलेज, यू शुड बी एबल टू कन्वर्स विथ योर फ्रेंड्स। सो डोंट गेट वरीड अबाउट इंग्लिश पार्ट। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं तो झाड़ के नीचे पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ, और जितनी भी PhD हम लोग करते हैं ये सब हमको इंग्लिश में करना पड़ती है। 16 किताबें लिखी मैंने, अमेरिका में किताबें पब्लिश हुई हैं, सब इंग्लिश में लिखते हैं, गांव का पढ़ा हुआ लड़का। सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड विच यू कैनॉट डू इट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, आई एम श्योर यू विल डू इट, एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट यू टू डू, become good student, become an educated person, become a knowledgeable person, and become a person whom everybody would like to take. So I wish you all the best, do well, God bless you. अपने माता पिता को मेरा नमस्कार बोलिए, आप उनको शुभकामनाएं दीजिए, उनको आप आश्वासन दीजिए कि आप पुणे में जाकर के जब आप पढ़ेंगे, इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में आप पढ़े करेंगे, 2 साल के बाद में आप एक नया व्यक्तित्व बनाएंगे अपने आप का। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। अच्छे रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छे रहिए, अच्छे पढ़िए, और अच्छा एक व्यक्ति, गुणवान, चरित्रवान, धनवान, बुद्धिवान और आयुष्मान व्यक्ति बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। आई हैव 2-3 क्वेश्चन, सो इफ यू हैव टाइम कैन वी। यस सर, यस सर, यस सर, दे कैन आस्क क्वेश्चन, इफ देयर पेरेंट्स वांट टू आस्क क्वेश्चन यू कैन, इफ देयर इज लिसनिंग टू मी। Yes, sir. So the first question is, there were huge investments from Chinese conglomerates in Indian companies, in small, medium enterprises also, and in large companies also. And now we are talking about Atmanirbhar Bharat. What is your perspective on this, sir? One thing is very sure, that India is on a path to become Atmanirbhar. Yes, sir. It doesn't mean that we will not allow the money to come from outside. No, that's wrong. In the committee report, Shekhar committee report, which I submitted, I myself said there, it is there. All the defense manufacturing should be in India. And if you want, you get the foreign investors. Let them bring their money. Even they can invest up to 48%, 49%, up to 74%. And you produce for India, make in India, make with the help of outside people in India,
and make not only for India, make for the whole world. So India becomes a manufacturing hub. Yes. That is the system of Atmanirbhar. At the moment, sir, what is happening? We are importing 74% of our major equipment. Not only defense, your aircraft, your civil aircraft, your car, आपकी जो वॉल्वो बसेस आती हैं वो भी जर्मनी से आ रही हैं, मर्सिडीज कार जर्मनी से आ रही है, रोल्स रॉयस आ रही वहां से. सो व्हाई कांट वी आस्क दोज कंपनीज दैट यू एस्टैब्लिश द प्लांट हियर. पुणे में वी आर एस्टैब्लिशिंग ए प्लांट. आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द कंपनी वेयर द फॉरेन कंपनीज आर कमिंग, दे आर मेकिंग इट हियर. सो वी से आत्मनिर्भर भारत, इट इज द ब्रेन ऑफ इंडिया, द वर्क फोर्स ऑफ इंडिया, द लैंड ऑफ इंडिया. Money can come from outside, and you produce what you want to sell in India, or jo surplus hai, or you can sell the whole thing outside. ये नहीं कि अगर आपने 100 मोबाइल फोन बनाए हैं, वो पूरे भारत में ही बेचना है, नहीं, आप पूरे 100 के 100 बार भारत बेच दिया. That is the concept, sir. And I think there is a great scope. There is a great scope. ये बच्चे जो हैं इनको, आप कई बार देखिए पुणे में आप देखते होंगे, there are large number of foreigners coming into Pune. या वर्किंग ही रहा, आप चाकड़ में जाइए कितने फॉरनर्स यहाँ काम कर रहे हैं. जर्मनी के लोग काम कर रहे हैं, चाइनीज यहाँ काम कर रहे हैं, फ्रेंच यहाँ काम कर रहे हैं, इटालियंस यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी कंपनियां उनको यहाँ भेज रही हैं. आईटी में आप देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं. सो दैट इज माय कॉन्सेप्ट. आई डोंट थिंक वी शुड गेट वरीड ऑन दैट इशू. एंड जो बच्चे जो बच्चियाँ विदेशों में जाएंगे उनको भी कोई नई नहीं बोलने वाला है, बिकॉज द इंडियन माइंड्स आर वेरी गुड माइंड्स, इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी गुड. And that is why we say there is a hope for India. Right. I hope it satisfies the question. Yes, sir. So second question is an interrelated question. Half of the answer you have already given, but I just want to extend that question. When we are looking at, the whole world is looking at India as a manufacturing hub. Definitely, there are a lot of opportunities for the management students. So if you can throw some light on that also, I think this will help our management students to have the clear mind towards the management studies. In management, we got three different branches. One is the financial management, where you look after the finance part is there. Right, sir. You can also join the banks. Look at the large number of banks coming. And in almost all the banks today, they are taking MBA boys and girls. They are taking in big number, particularly the foreign banks which are coming. When the foreign investment comes, the foreign banks will also come. Right. When the foreign companies come, they will get the foreign technology also. So apart from doing MBA, you should be slightly technology oriented. Right. Slight orientation towards the technology. Suppose you want to be an MBA in finance, then you should also know where is the World Bank, what is the International Monetary Fund, where is the Asian Development Bank. There's no point only knowing the banking, usme debit kahan jata hai or credit kahan jata hai. No, you should have a general knowledge, because those companies which are coming to India, they will not bring their own money. Right. They will have some money, but they will take the loan from World Bank, from International Monetary Fund, from different industrial banks. They are going to take the money. So therefore, there's a great scope for the MBA boys and girls. Take for marketing. Those companies which are going to produce things here, they will require some people to do marketing. Right, sir. It can be tractor, it can be motorcycle, it can be car, it can be mobile phone, it can be anything. They need marketing. I give you one simple example, which the young people will like it. Suddenly, there is a concept of beauty parlor in India. गांव-गांव में आपकी beauty parlor मिलते हैं. कई बार तो लोग शादी का जो मुहूर्त है वो ये देख के करते हैं कि ब्यूटी पार्लर से बिटिया कब आएगी. पंडित जी कैन वेट, वो ब्यूटी पार्लर में गई है. व्हाट डज दिस शो? दिस शो देयर इज अ टेंडेंसी फॉर पीपल टू लुक गुड. जो आपकी बदसूरती है उसको आप छुपाना चाहते हैं और आप खूबसूरत अपने आप को दिखाना चाहते हैं. इट्स अ बिग मार्केटिंग चांस. एंड यू हैव सीन देयर वाज अ क्रीम जस्ट लास्ट वीक, इट हैज बीन स्टॉप्ड. उसका नाम बदली कर दिया था. इट वॉज फेयर एंड लवली, और लवली एंड फेयर क्रीम का नाम है. तो लोगों ने जब उस पर आक्षेप लिया कि क्रीम लगाने से कोई काले का गो नहीं होता, कभी नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो अफ्रीका में एक भी कारा आदमी नहीं बचता, मैं भी गोरा हो जाता.
सो देयरफॉर ऑडियो प्रोड्यूस करती कौन, यूनिलीवर नाम की जो कंपनी है वो बनाते हैं। 40,000 करोड़ का क्रीम बेचते थे वो, नाउ दे से नो यू विल चेंज द नेम, बट आर दे गोइंग टू स्टॉप द सेल, नो। तो मार्केटिंग जो है अब उसको दूसरे रूप में करना पड़ेगी, उसी चीज को दूसरे नाम से कैसे बेचना, इट विल इन्वॉल्व मार्केटिंग। ट्रैक्टर आपको बेचना पड़ेंगे, ऑयल पंप बेचना पड़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बन रहा है, बॉर्डर रोड पे लोग काम करने जा रहे हैं, सो मार्केटिंग विल बी देयर। और मार्केटिंग और फाइनेंस के लिए आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स, जो बाहर से बच्चे आएंगे काम करने के लिए, उनके अपने प्रॉब्लम हुए, बेटियों के अपने प्रॉब्लम होते हैं, उनके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, खाने के प्रॉब्लम होते हैं, तनख्वाह के प्रॉब्लम होते हैं, एकोमोडेशन के प्रॉब्लम होते हैं, इट्स ऑल कनेक्टेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और एक बार आपकी कंपनी में आने के बाद में उन बच्चों को, उन बच्चियों को आपकी कंपनी में काम करने के लायक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहां जब आप MBA पढ़ के आएंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि आप किर्लोस्कर कंपनी में काम करने के लायक हैं, आप टाटा में काम करने के लायक हैं, आप सब जगह काम करेंगे, लेकिन जब आप प्लेसमेंट आपका हो जाएगा तब वो कंपनी आपको बताएगी कि अब आप ये पढ़िए। सो दैट इज द जॉब ऑफ द HR। सो देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप, बहुत स्कोप है उसमें, आपको कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्कोप नहीं है। राइट सर, सो द लास्ट क्वेश्चन इज लिटिल फिलोसफिकल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, राष्ट्रहित और देशभक्ति, फिलहाल का जो सर जो हमारी जो जनरेशन है कहीं ना कहीं सर वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको कैसे बढ़ाया जाए फिलहाल की जो जनरेशन है उसमें? जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं तो वो राष्ट्रीयता का हित होता है जी। राष्ट्र का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब हम एप्लीकेशन पार्ट करते हैं देन से व्हाट इज योर नेशनलिज्म, नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, राइट? तो हमें बोलते हैं कि मैं भारतीय हूं, आई एम ए इंडियन। सो दैट भारतीयता जो है वो राष्ट्रीयता बन जाती है, एंड राष्ट्रीयता से जब हम भारतीय बनते हैं तो उस भारत की रक्षा करना ये देशभक्ति होता है, भारतीयों की रक्षा करना, भारत के हितों की रक्षा करना, भारतीय संप्रदाय की रक्षा करना, भारत की जो विचारधारा उसकी रक्षा करना पड़ती है। सो देन वी बिकम, सो फ्रॉम राष्ट्रीय वी बिकम भारतीय। जब हम फॉरेन जाते हैं कभी काम करने के लिए, आप पासपोर्ट बनवाते हैं, आप वीजा बनाते हैं, दे आस्क यू विच नेशन यू आर फ्रॉम, आपकी नेशनैलिटी क्या है। और जब हम बाहर जाते हैं देन वी आर टोल्ड कि आप भारत से आए हैं। नाउ इफ यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए पाकिस्तानी, वो आपको मार के भगा देंगे। सो दे एक्सपेक्ट कि भारतीयता जो है वो हमको दर्शाना पड़ेगी वहां, कैसे हम बात करते हैं, हमारा विचार विचार क्या होता है, और ऑनेस्टी, और इंटीग्रिटी, और मॉरल कैरेक्टर, और जो भी होता है। जब तक आप एक अच्छे देशभक्त नहीं होंगे, आप राष्ट्रभक्त कभी नहीं बन सकते। राइट सर, देशभक्ति पहले आती है, क्योंकि अगर मान लो आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको उस कंपनी की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। व्हाट इज गुड फॉर द गुड ऑफ दैट कंपनी विच इज ओन बाय अमेरिकन्स। तभी तो हमारे जो बच्चे वहां जा रहे हैं अमेरिका में, ह्यूस्टन, बोस्टन, कैलिफोर्निया में, वो हम जगह हर जगह पर जो है भारत भारत नहीं करते हैं, दे वर्क फॉर द अमेरिकन कंपनी विच इज डिप्लॉयड देम। बट एट द सेम टाइम हम भारतीय हैं, इस वास्तविकता को नहीं भूलते हैं। सो देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडियननेस एंड राष्ट्रवाद और भारतीयवाद में। इसी से एक लगा हुआ बात है कि जब हम बोलते हैं कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को राष्ट्र शक्ति का कवच होना पड़ता है, यू नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द राष्ट्र शक्ति। यू कैन कॉल राष्ट्रीय राष्ट्र शक्ति क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी गुणवत्ता, आपका चरित्र, आपकी सैन्य शक्ति, उस ढाल के नीचे आप देशभक्ति करते हैं, राष्ट्रभक्ति करते हैं। एट द सेम टाइम उस राष्ट्र शक्ति को भी, पैसे वालों को भी, बुद्धिमान अपने आप को समझने वाले भी जो सेना में काम करते हैं, उनको भी राष्ट्रभक्ति का अंतकरण होना पड़ता है। यू कान से तो देयर आर कोरिलेशन बिटवीन दिस। तो हमारे बच्चे जो हैं वो देशभक्त तो है ही हैं, लेकिन उन्हें अभी हमें राष्ट्रीयता का भी ख्याल करना पड़ेगा कि वेन दे आर वर्किंग फॉर ए कंपनी, मे बी इन पुणे में काम कर रहे होंगे, बट इफ देयर कंपनी बिलोंग्स टू ओन बाय 41%, 51%, 72% ओनरशिप जर्मनी की है, तो हमें जर्मनी के हितों का भी ख्याल रखना पड़ेगा।
राइट, तभी तो हम जर्मन कंपनी के हितों की रक्षा करेंगे। पर हम वहां अगर हमने भारतीयता कर दी, आज टाइम नहीं है, कल शाम को आएंगे, आधा घंटा लेट आ गए, आज मेरी मौसी की तबीयत खराब है, कल ये हो गया, फिर वो बोलेंगे आप घर में बैठिए। आपने राइट, सो देयर हैज टू बी कोरिलेशन एंड दैट इज व्हाई सर थ्रू आउट द वर्ल्ड यू फील इंडियन वर्कर्स आर वेरी गुड। अभी जो जब से कोविड का हुआ था, हजारों 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 की संख्या में लोग हवाई जहाज से वापस आए हैं, मिडल ईस्ट से आए हुए हैं, यूरोप से वापस आ रहे हैं बच्चे हमारे, अफ्रीका से एरोप्लेन पे एरोप्लेन भर के आ रहे हैं, वहां से पानी के जहाज से वापस आए, मतलब ये सब वहां काम कर रहे थे ना। राइट सर, चोरी छुपे तो नहीं गए थे वो? राइट सर, अगर चोरी छुपे जाते इलीगल तौर पर तो फिर उनको हवाई जहाज से आने नहीं मिलता है। तो आज भी विदेशों में भारतीयों के प्रति सम्मान है, वो सम्मान क्यों है, क्योंकि हम काम ठीक करते हैं। right, चाहे हम ड्राइवर का काम कर रहे हैं, हम खाना बनाने का काम कर रहे हैं, हम चौकीदार बनाने का काम कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, तभी तो धीरू भाई अंबानी दुबई में जहां पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी अंपायर उन्होंने खड़ी की है, रिलायंस अंपायर है, तो बना दो। और उसी धीरू भाई अंबानी के बच्चों ने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरमेको का वो प्लांट लगा रहे हैं अभी गुजरात में, right. उसी ऑयल कंपनी का, दैट इज राष्ट्रीयता, दैट इज भारतीयता। पर हमको सऊदी अरेबिया के हितों का भी रक्षण करना पड़ेगा, बिकॉज देयर कंपनी बिलोंग्स टू देम, एक समन्वय बात करना पड़ेगा, देयर हैज टू बी अ क्लोज नेट। राइट सर, एंड सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, देयर इज अ पोएम व्हिच यू रिसाइट व्हिच सेज मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए, इफ यू कैन just say that, I think this will strengthen the patriotism in the students also. Thank you, sir. My appeal to our children, our students who are coming, आप कैसे लोग बोलते हैं राष्ट्रभक्त है, ये पेट्रियाट हो, वो लिखता थोड़ी अपने दिमाग पर कि मैं पेट्रियाट हूँ, कोई राजनीति लिखता होगा मैं आम आदमी हूँ, उनका बेवकूफी है, आदमी है दुनिया को दिखता है, आम आदमी के लिए आप लिखना पड़ते हैं टोपी पे मैं आम आदमी हूँ, ये तुमको बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं भारतीय हूं, कई को बोलेगा मैं तो मैन हूं, अरे वो आपकी शक्ल से पता लगता है ये आप आदमी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, भारतीय होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत हमारा राष्ट्र है, केवल भारत ही एक जगह है जिसमें हम अपनी माता को भारत माता बोलते हैं। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच कॉल्स इट्स नेशन एज अ मदर, और हम इसलिए बोलते हैं कि उस भारत माता की रक्षा के लिए, भारतीयता की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम प्राण भी दे देंगे, हम लोग सेना में बोलते हैं। लेकिन कई लोग व्यक्ति होते हैं, और इसलिए किसी ने कहा था और मैं हमेशा वो कविता में इस्तेमाल करता हूँ, यदि हमें भारत से प्यार है, हमारे अपने राष्ट्र से हमें प्यार है हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, ध्यान में रखना पड़ेगा, है हमें अगर प्यार तो हरदम ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। जनरल शेगडकर में भी देयर, ही में नॉट बी देयर, कल को जाना पड़ेगा मुझे, पता नहीं कहां, मुझे पता ही नहीं लगेगा कहां चला गया मेरा। मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, आज हमारा शत्रु कौन है? अज्ञान है, अज्ञानता जो है वो हमारा शत्रु है, अकर्मण्यता हमारा शत्रु है, आचरण विहीनता हमारा शत्रु है, पाकिस्तान शत्रु तो है ही है, और भारत के अंदर जो काम भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो भी हमारे आंतरिक शत्रु हैं, जो भारत की तबाही करते हैं, टुकड़े टुकड़े करेंगे, हम तोड़ देंगे, जंग हमारी जारी रहेगी भारत के टुकड़े टुकड़े होने तक, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो वो लोग जो वो शत्रु हैं, तो शत्रु से कह दो जरा, चाहे वो अज्ञान हो, अकर्मण्यता हो, अक्षमता हो, अकुशलता हो, ये तमाम हमारे शत्रु हैं, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है ये सत्य सहना सीख ले। और इसीलिए राष्ट्र की शक्ति को, आपने शक्ति की बात की, राष्ट्र की शक्ति क्या है? ये विद्यार्थी हमारी बेटियां जो हमारे यहाँ पढ़ने आने वाली है, यही तो राष्ट्र शक्ति बनेंगी, यही तो राष्ट्र की गुणवत्ता बनेंगी, यही तो राष्ट्रीयता के पुजारी होंगे, और यही लोग जो हैं धनवान बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। राष्ट्र की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए,
बढ़कर आप तभी जग बने दिखाएंगे जब आप में वो शक्ति होगी। राष्ट्र की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। एंड देयरफॉर माय अपील टू माय चिल्ड्रन, आवर स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स से है, भारत का रहना महत्वपूर्ण है। यदि भारत है तभी आप भारतीय कहलाएंगे, जब आप भारतीय कहलाएंगे तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। मैं आपको इसी बात से एक अंतिम उदाहरण देता हूं। हमारे सैन्य अधिकारी एक थे ब्रिगेडियर के पद पर, ईरान और इराक के बीच में युद्ध चला था 1985-86-87 में दोनों राष्ट्र में, और वहां युद्ध मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑब्जर्वर भेजते थे मध्यस्थता करने के लिए। तो पहले जब नाम भेजे गए तो उनमें 6 यूरोपियन लोगों के नाम थे, तो वहां का जो राष्ट्रपति था वो मारा गया, उसको मार दिया अमेरिकन ने, सद्दाम हुसैन। उन जब राष्ट्रपति के पास वो नाम गए तो उसने बोला कि कोई भी सफेद चमड़ी का आदमी जो है मेरे मुल्क में नहीं आएगा, ये आई डू नॉट वॉन्ट एनी यूरोपियन टू कम टू माई कंट्री। फिर जो नाम गया वो एक भारतीय अधिकारी का था ब्रिगेडियर के पद पे, अभी वो पूना में ही रहते हैं, मेरे गुरु हैं, मैंने उनके नीचे काम किया है। जब उनका नाम वहां गया तो उसने नाम नहीं पूछा, उसको बताया गया कि हम इंडिया के हैं, भारत को लोग इंडियन नहीं बोलते वहां, वहां बोलते हैं इंडी, भारतीय जो है उनको वहां इंडी बोलते हैं, रशिया में भी इंडी बोलते हैं। ही इज ए इंडी, ही सेड इफ ही इज ए इंडी देन अलाउ हिम टू कम। उसने नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, जात नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, इंडियन है आने दीजिए, यह है भारतीयता की निशानी। और इसलिए मैं आपसे कहता रहूं कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए, इंडिया रहना चाहिए, इंडियन रहना चाहिए। और यही काम, मुझे पूरा विश्वास है, हमारे कॉलेज में जो विद्यार्थी आ रहे हैं, चाहे बेटे हैं या बेटियां हैं, वो इंडियन ही बनेंगे, अच्छे बनेंगे। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स ऑफ विजडम, योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट इज रिमार्केबल एंड प्राइसलेस। On behalf of IIBM family, I would like to express my heartfelt gratitude. Our best wishes to your good health, happiness, and prosperity. With the hope of meeting you again, long live IIBM and Jai Hind, sir. Yeah. All the best. God bless you all. Thank you, sir.